आईपीएल के चाहने वालों के लिए बुरी खबर ये है, चेन्नई सुपर किंग्स की कंटिजेंट हैज आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। सीएसके सीईओ काशी विश्वनाथन, बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और बस क्लीनर हैव कम बैक पॉजिटिव और अब वो आइसोलेट हो गए हैं। सीएसके की ये डेवलपमेंट आई जब दो केकेआर के प्लेयर्स वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर भी पॉजिटिव पाए गए, अलोंग विद 5 डीडीसीए मेंबर्स जो कि पहले ही पॉजिटिव टेस्ट किए गए थे फॉर कोविड। बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया कि सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। अभी कितने लोग पॉजिटिव हैं, एग्जैक्ट नंबर और आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। महेंद्र सिंह धोनी वाली साइड राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट उतरने वाली थी और इनका मैच बुधवार को होने वाला था दिल्ली में। सीएसके इस वक्त पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पे है विद 10 पॉइंट्स फ्रॉम 7 गेम्स। विश्वनाथन, बालाजी और मेंटेनेंस स्टाफ मेंबर्स ने एक फ्रेश टेस्ट लिया मंडे को टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फॉल्स पॉजिटिव। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड होगा इन तीनों के लिए इन अ डेजिग्नेटेड फैसिलिटी आउटसाइड द बबल। बीसीसीआई के लिए और बुरी खबर यह है कि 5 दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड स्टाफ मेंबर्स पॉजिटिव पाए गए, तो पूरा दिल्ली वाला जो लेग है आईपीएल का वो अब डाउट में आ गया है। ये जो 5 ग्राउंड स्टाफ मेंबर्स थे, ये राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का जो मैच हुआ था संडे को उसका भी हिस्सा थे। इससे पहले केकेआर और आरसीबी का जो गेम है जो कि अहमदाबाद में होने को था वो भी रीशेड्यूल कर दिया गया है, लेकिन अभी उसकी तारीख नहीं आई है।